ये सारी चीज क्षणभंगुर होती है, इस बात को नीति कहती है। दूसरी बात में क्या बताया, सब कुछ बदल गया संसार के अंदर, जो होना था वो नहीं हो गया। बताया
यदि घर में कोई कार्य करनी होगी तो सबसे पहले साड़ी आवेगी, और हिंदी भाषा में जिसने साडू कहा करे उस फूट ने ले आवेगी। जन्ना जापा का काम ने साड़ी दिखा दे, कोठार का ने साडू दिखा दे, भूआ फूफा की जरूरत नहीं रही आज संसार में। कभी बोलते कहते साड़ी का कोई यारा नहीं होता, जैसे के साड़ी का यारा ना हो से साडू रिश्तेदार किसा, के रंडवे का घरवासा हो से दुश्मन पे इतवार किसा, जो ऊंच नीच ने नहीं जाने वो ठाडा साहूकार किसा, एक करी वीर की गैल आया गैल लड़िया हकदार किसा। औरत ने ब्याह कर लिया और कोई बालक साथ में आ जाए, दादा की जमीन पे कोई हक नहीं होता उसका। इस बात को कवि मोहनदे कहता है, नीति कहती है विधवा ने सिंगार किसा, नीति ने फरमाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सुपने की माया। तीसरी बात में लोभ के बारे में लिखा, ये लोभ आज से नहीं चला आ रहा, जिस दिन से संसार दृष्टि जान रचा है उस दिन से लोभ चला आता है। लोभ के वश में होकर के कौन कौन क्षण मंगूर हो जाते हैं। तीसरी बात सुंदर शब्दों में बताया, भाई संसार के अंदर जान पहचान करने वाला कोई होना चाहिए। हमने 84 लाख यौन भुगतने के बाद जब ये नर्तन पाया है, बहुत से जीव संसार के अंदर यूं ही आते हैं, यूं ही चले जाते हैं, जिन्हें दुनियादारी का पता नहीं होता है। आखिरी बात में बड़ी सुंदर बात बताई, क्या होती जगत में के सपने की माया।
आइए, मैं क्षमा चाहते हैं।